तो गाइस दोबारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रेड बैटर के साथ। लगा दिया मम्मी ने सबके लिए, फिर भी लगाया। हाँ भाई, सबकी तबीयत ऐसे ही चल रही है आजकल, और मेरी तो बहुत ज़्यादा ही। तो सुबह सुबह मेरी नाश्ता एक बार इसी से सबका करवा देती हूँ, तो बटर ब्रेड और भुजिया मिला के सबको नाश्ता अभी करवा देती हूँ। और उसके बाद में काम पड़ा हुआ, आज काम इतना नहीं हुआ। सुबह शर्मा जी पूजा करके चले गए नाश्ता करके, ना के इसीलिए पूजा भी नहीं करना पड़ा ये लोग को। और अभी कर रही हूँ नाश्ता, करवा दी लोग, फिर उसके बाद ये लोग पढ़ने बैठेगा। तो भाई हम अभी बैठे हैं बिना नहाए है चिंटू, आज बैठे हैं हम इतना बुखार है ना कि मर आंसू भी आने लगे। इतना बुखार, खांसी, जुखाम, एकदम हालत ख़राब है। और यहाँ तक कपड़ा भी चेंज नहीं किया है, और यही कपड़ा में बैठी हूँ कल से। क्या बताऊँ, देखिए आवाज़ भी मेरी कैसी लग रही है, और मेरा थोबड़ा तो और भी बेकार लग रहा है। मेरा खराब मत पाना, मजाक कर रही हूँ। और देखिए कैसा फेस लग रहा है मेरा। और ये लड़का देखिए अभी ये पढ़ रहा था, ये देखिए 12th का जो स्टूडेंट है। ये 12th का स्टूडेंट है, तो देखिए ये देखिए बुक बेचारी वहाँ क्या कर रही है, ये बुक पड़ी है वहाँ पे खड़ा हो। और इसको ना कितना भी सुला दो, इसको कितना भी सुला दो, ये लड़का सोने में फर्स्ट आएगा। लेकिन फर्स्ट अगर कोई कंपटीशन अगर करे ना, तो ये फर्स्ट आ सकता है सोने में, है ना। और क्या, कुंभकर्ण का भाई तो नहीं है तू? है नहीं, बनना भी नहीं। रे बाप रे बाप रे, कान पकड़ो ऐसे कभी नहीं। नहीं, खड़ो जा, उठ बैठा, पढ़ ले। तो भाई इसको मार मार के पढ़ाना पड़ता है, ऐसा बात नहीं। मैं तो खड़ा जा, अभी मारूंगी कान पकड़ के, नहीं तो खड़ा जा। बुक वहाँ पे है, और अभी मैं नहाऊंगी। लेकिन जो जल्दी जाओ, समझे, बुखार तो है, और लेकिन अभी नहा के आ रही हूँ। और तू खड़ा हो जा अभी, ना मार पड़ेगी अभी बेल्ट से, और वीडियो बनाऊंगी सीधा, और बेल्ट से तेरे को ठीक से धुलाई दूंगी। तो शाम के बजरे 5 हो रही है, मेरा शाम का नाश्ता रेडी, हल्का फुल्का खाना। हमको भूख लग रही थी, मैंने मम्मी बोला मम्मी भूख लग रही है कुछ बना दो। मैं रूम में हाँ, कमल उसे ठंड लग रही है, मेरे को कमल में उसे खाऊंगा मैं मजे से अपने, ठंड लग रही है मुझे। हाँ रूम में खाऊंगा मैं तो, हो जाएगा, हॉल में नहीं खाने का। अंशु गया ट्यूशन, यश गया कोचिंग वगैरह, और मैं मस्त इधर नाश्ता कर रहा हूँ अपना। मम्मी अभी पराठा सिखवाया, इसीलिए पराठा दही और अचार। सुबह खाया नहीं था दही हमने, सुबह आपको दिखाया था ब्रेड बटर वगैरह खाया, और अभी भी मेरे को जुकाम है, फिर भी दही के बिना तो चलता है नहीं, तो दही खा रहा हूँ मैं। फिर भी हो जाएगा, उपाय नहीं, मतलब सह लेंगे, और बिना दही फिर खा के अच्छा नहीं लगता है। और सुबह तो ऐसे ही खाया था, उसके बाद मैं पढ़ने लग गया, फिर सो गया, तो अभी उठा था, अभी भूखने लग गई। तो गाइस शाम हो चुकी है, और थोड़ी सी तबीयत भी अभी ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है। दिन में तो बुखार था, बहुत तेज था, लेकिन अभी शाम होते होते थोड़ी सी ठीक हुई है, और अभी ठीक भी लग रहा है। क्योंकि वैसे तो टेबलेट का असर भी है, टेबलेट खाया था उसी का असर लग रहा है। तो मैंने वैसे दिन भर लेट के नहीं देखा, दिन भर मैंने काम किया है, और वही टेबलेट का असर है इसीलिए। और अभी मेरे को जैसे शाम हो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही खाना वाना खाने के बाद मेरे को लग रहा है फिर से बुखार, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। तो आ नहीं जाए बस वही है। तो आज अगर बुखार नहीं आए तब तो मैं ठीक हो जाऊंगी एकदम से, तो ठीक है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, बच्चे अभी आए नहीं हैं, अंशु आ गए है ट्यूशन से, और यस अभी आया नहीं है, और शर्मा जी का तो अभी पता नहीं कितना बजे तक आएंगे, उनका तो कोई फिक्स ही नहीं है। रात में इतना लेट लेट आते हैं, तो इतना उनका फिक्स नहीं है अभी कितना बजे तक आएंगे। और अंशु आ गया है उसका आज जल्दी, वो 3 बजे गया था, वो आ गया है, आने के बाद नाश्ता कर लिया है, और अभी वो सुन रहा है गाना बाहर में उधर में बैठ के। अंशु अंशु तेरा कटिंग तो दिखाया है नहीं, कितना अच्छा करवा क्या है अंशु, दौड़ क्या अंशु करवा क्या है कल कटिंग, और देखना आप कैसे कटिंग करवा क्या है, दौड़ क्या भाई शर्मा रहा है। भाग क्या
तो भाई अंशु का कटिंग देख लो इधर दौड़ के भर लो इधर दिखा कैसा कटिंग करवा के आया मेरा हीरो बेटा जल्दी बैठ बैठना पूजा करके आ तो नीचे तो आ कटिंग दिखा कम से कम दिखता रही है ये भाई ऐसे कौन कटिंग करवाता फिर मेरा चेहरा नहीं दिखता है तेरा दिख जाता है तो नीचे हो जा तो भाई ये देखिए अंशु कितना छोटा छोटा बाल करवा के आया तो कराया तो है ना कितना छोटा छोटा बाल करवाया है ये राम फिर खड़ा कटाई देखो इससे ज्यादा क्या ही छोटा होगा इससे क्या ही छोटा होगा इधर इधर देखना अंशु इधर देखना ये क्या है मेरा अरे वाह बराबर हो जाएगा मारा है कैसे क्या है फिर दिखा अरे अंशु तू गर्म कैसे लग रहा है बुखार हो गया बाय बाय क्या भी अंशु को बुखार हो गया सो गया तू बुखार लेके आया घर में तो प्रॉब्लम मेरे से क्यों चिपके ये देख इतना छोटा बाल थोड़ा सा बड़ा करवा के आता बेटा ये देखिए और चिंटू तब करा के आता था हंगामा मसा देता मम्मी इसको कितना बड़ा बाल आप देखी आप तो देखते ही नहीं है बार कटा गया मैं तो इतना क्यों तू नाई को पैसा देगा अरे बेचारा गरीब ससुर दे देते और तू अमीर था अंशु बहुत अमीर है भाई वो बेचारा गरीब था वाह दिन भर दुनिया भर का पैसा कमाओ वो कमा ले तू कमाओ इतना हम भी थोड़ा दान पुण्य कर आए तो नहीं दे के आए और कितना कर क्या हूं तो दान बाल भी तो कटाना था भाई मैं जा रहा हूं चलो भाई अच्छा दान पुण्य करो और अब की बार तो 100 दे के आना उसको कितना देख के और अच्छा वाला में जाएंगे ना और कितना दे के आया दिया था 70 दिया था 70 लेते हैं मतलब 70 लेते हैं यहाँ पे भाई चलो 70 रुपया में अंशु का कटिंग हो गया और फिर लगता है 15-20 दिन में फिर खड़ा हो जाएगा 70 लेने के लिए यार 15-20 दिन हाँ फिर बोल फिर ये बढ़ जाएगा फिर मेरे को गुस्सा आएगा और बढ़ जाएगा भाई क्यों ऐसे ही चलता है भाई हाँ ये बड़ा वाला और करवा के आएगा करवाओ भाई चलो ठीक है फेयरवेल भी है ये लोग का तो अच्छा से बोलता है कि मम्मी इतना ऐसे वैसे नहीं करवा के आएंगे हम अच्छा से करवा के आएंगे और वो तो उसका तो और डिमांड है फेयरवेल है तो वाह ये जूता लाना है तो ये कोट पैंट लाना है ये करना है वो करना है इसको तो ये बोल नहीं रहा है क्योंकि देखिए मेरा आवाज़ कैसे लग रहा है क्योंकि इसको तो ड्रेस में जाना है और उसको तो भाई देखते हैं भी क्या आएगा उसके लिए सोच रही है अभी तो ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है शर्मा जी को टाइम नहीं है खुद ही लाएगा अपना उपाय नहीं है अभी चलो ठीक है तो बहुत बात हो गई है बहुत देर हो गई है थोड़ा सा मेरे को अच्छा भी लग रहा है मेरा आवाज़ देखिए कितना भारी लग रहा है बाप रे क्या बोलूँ मैं एक दो दिन में आवाज़ भी मेरी क्लियर हो जाएगी अच्छी हो जाएगी तो प्लीज़ आप अब भी लाइक कर दो तो अब भी काफ़ी लाइक करो कॉमेंट करो नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आज आप सपोर्ट करो डेली वीडियो देखो मैं डेली वीडियो देती हूँ आप डेली वीडियो देखेंगे तब हमको मोटिवेशन मिलता है और जब अच्छा व्यू आने लग जाएगा मैं सोचती हूँ कि जब और भी अच्छा व्यू आएगा तब मैं बाहर जाके अच्छा अच्छा बनाऊँगी तो फेसबुक पे अभी मेरे को कोई लाइक किया है हाँ मेरा फेसबुक आईडी तो मैं आपको बताया ही नहीं है मीना शर्मा आरजे के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है तो वहाँ जाके आप फॉलो कर लेना मैसेज आया था तभी मतलब कोई वो किया है गोविंद नाम से तो चलो ठीक है आप भी फॉलो कर लेना वो वीडियो को लाइक किया होगा फेसबुक पे इसीलिए मैसेज आया तो प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें डेली वीडियो देखें भाई 11:30 हो गया है अभी और सब खाना पीना सबका हो गया है और अभी ये कर रहे हैं इधर में बातें और अंशु पी रहा था कॉफ़ी पी लिया भाई अंशु अभी कॉफ़ी पी लिया है और पी के गिलासी भी रख के आना होता है ठीक है और मुंह में कुल्ला भी करना होता है पट भी करवाया क्या वाह तो बात करते करते अंशु की एक बात पकड़ ली मैंने अभी अभी क्या जस्ट पता थोड़ी चलता है इसका कॉल आ रहा है चलो भाई मैंने काट दिया किसका भी अभी 11:30 बजे किसका कॉल है मैं देखूंगी कौन इतना अर्जेंट कॉल आ गया है किसका आया है तो यस और चिंटू दोनों यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं क्या बातें चल रही है भाई तुम्हारी हम लोग ऐसे चली नॉर्मल फोन चार्ज क्यों नहीं लगा तो ये बातें चल रही है कि फोन चार्ज क्यों नहीं लग रहा है वाह भाई क्या बात है क्या डिस्कस है तो भाई सच में मैं ज्यादा ही ये मार दिया कमजोर हो गई है ना भाई देखो रे पूरा चेहरा सच में मेरा दुबला लग रहा है भाई तो भाई बढ़िया बात है ना लोग पैसे दे के पतले होते हैं आप बिना पैसों के अरे मेरा
मतलब पूरा पूरा जैसे शरीर होना चाहिए वो तो चलो ठीक है, मेरा फेस भी उसके साथ साथ एकदम पतला हो जाता है ना, तो कितना अपना बॉडी मेंटेन रखती हूँ मैं ये देखिए, समझे? पूरा वेट लॉस, ना पूरा वेट लॉस कर लिया है, उसके साथ साथ अपना चेहरा भी लॉस कर लिया ये पतला हो जाता है ना, बस वो अच्छा नहीं लग रहा है भाई। तो आज मैं मिलवा देती हूँ शर्मा जी से, क्योंकि बहुत दिन बाद आज मैं शर्मा जी से बात करवा रही हूँ। कैसे है शर्मा जी? अपना मोबाइल को म्यूट करिए। वाले भाई, तो कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आप मिल रहे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं। नींद आ रही है अभी, देखिए सुबह रात में सोए भी कम ही थे ना, बहुत लेट आए थे, फिर सुबह भी बेचारा जल्दी चले गए, तो आंखों में पूरा नींद है। तो आप सो जाइए, मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं भी जा रही हूँ, बाय बाय, ओके, गुड नाइट। तो भाई मोबाइल चार्ज बहुत एकदम थके हुए भी हैं, तो मैंने चलो क्यों परेशान किया है, फिर आ गई मैं बच्चों के रूम में, फिर आ गई हूँ बच्चों के रूम में ये लोग को डिस्टर्ब करने। हाँ गुरु, 11:30 हो गया है, अब तो तुम लोग सब सो जाओ, प्रैक्टिकल वगैरह अभी कुछ है नहीं, हो चुका है, अभी सिर्फ पढ़ाई करना बाकी है। काम तो हो गया ना, लेकिन सब तो कान में अपना ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है, जम होगा फिर लग जाएगा ना। तो ठीक है गाइस, अभी आज दिन भर का कुछ ऐसा ही था, और आप लोग डेली सपोर्ट करो, डेली लाइक करो, डेली कमेंट करो, नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भर भर के शेयर करो, भर भर के सपोर्ट करो। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तो ओके बाय, गुड नाइट, जय सियाराम, सीताराम सीताराम।